नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मूर्तिकार टूटे मकानों में बना रहा भगवान की मूर्तियां। बालाघाट जिले में आए दिन नए मामले उजागर होते रहते हैं। ऐसा ही मामला जिले की जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत लिंगा में सामने आया है, जहां एक मूर्तिकार किराए के टूटे मकान में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सचिव द्वारा इस बात को टाल मटोल कर सूची का हवाला देकर बात को घुमाया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम लिंगा में निवासरत मूर्तिकार महेश कुमार जिजोते, जिनका मकान लगभग 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं इनका पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ति बनाने का ही काम है, यहाँ या यूं कहे कि यह परिवार केवल मूर्ति पर ही आश्रित है। हालांकि मौसम खत्म होने के बाद बनी मजदूरी की जाती है, लेकिन प्रमुख कार्य इनका मूर्ति बनाना ही है। लेकिन देखा जा रहा है कि यहां परिवार किराए के टूटे मकान में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा अपनी परेशानी का बखान करते हुए बताया गया है। पंचायत जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बातों को टाल मटोल किया जा रहा है, जिन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि मदद की जाए एवं मकान दिलाया जाए। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम लिंगा, वार्ड नंबर 8। अच्छा, ये जो मूर्तियों को अब आकार देना चालू कर दिए हैं, हाँ, क्या तैयारियाँ चल रही है अभी मूर्तियों को लेकर के, जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है अभी जी, मतलब यानी 30 तारीख की जन्माष्टमी, तो क्या 8 दिन पहले से कलर करना शुरू कर देते हैं हम लोग। लगभग कितनी मूर्तियां आप लोग तैयार? कृष्ण जन्माष्टमी की मूर्ति है एक, करीब 150-200 मूर्तियां आपकी पूरी तैयार हो गई है। हाँ। और कुछ बाकी है तैयार होना? हाँ, ये बाकी है, बढ़िया, मतलब यानी कोई 1 फीट 1.5 फीट की मूर्ति तैयार होने की है। अच्छा, आप ये देखने को मिल रहा है कि आप गीले में बैठे हुए हैं और मूर्तियों को प्रतिरूप दे रहे हैं, क्या मिट्टी का काम है? सीट को इधर पानी आता रहता है डेली, पानी की वजह से सीट बनती है। दूसरी बात यह है कि मिट्टी भी गीली रहती है, सूख नहीं पाती बराबर, इसलिए क्या सीट का अपना है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य भी इसमें कम ज़्यादा होते रहता है जी। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पंचायत के द्वारा जो मकान निर्माण हुए, आपके नहीं हो पाए क्या? लाभ नहीं मिल पाया? नहीं, लाभ नहीं मिल पाया अभी अपने को जी। अच्छे मकान है अपना। अच्छा, तो आपने जो है पंचायत से संपर्क किया था इस विषय? पंचायत से संपर्क किए, बोले बाकी आ जाएगा, बोले टाइम लगेगा, अभी इस टाइप से बोले पंचायत वालों ने भी, अब टाइम लगेगा बोले, तब उनके आगे तो अपन हो नहीं सकते जी। ऐसा है उन्होंने बोले, तो ऐसा है, चलो भी ठीक है, और रहो गीले में। क्या अभी देखने को मिल रहा था यहाँ पे बैठने के तक व्यवस्था नहीं है? हाँ, पूरी गीले में बैठे हुए हैं, बैठे हैं। तो ये भारी बरसात में कैसे क्या कर पाएंगे? भारी बरसात में वही है, दवाई खाते रहो और काम करते रहो अपना। क्या करोगे अब इसके आगे? अच्छा, मिट्टी का मकान है, सीट तो आना ही है, मकान भी कच्चा है जी। काम तो करना पड़ेगा। अच्छा है जी, परिचय देंगे अपना। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से, कि जैसे आप इतना संघर्ष करके इस मकान में निवास कर रहे हैं? इस मकान से अपना खुद का मकान है, निवास तो कर रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, मकान भी अपना भी अच्छा ही मकान था जी, तो वो भी मकान गिरने लायक का हो गया, तो दूसरे का मकान किराए से रह रहे हैं अभी तो। तो अभी आप वर्तमान में ये जो मकान है आपका नहीं है? अब मेरा नहीं, किराए का मकान है। अच्छा, किराए का मकान है। मेरे मकान की स्थिति खराब है, दीवार गिर चुकी है जी, अब वहाँ मूर्तियाँ बनाऊंगा, तो वहाँ अगर एकांत दीवार गिर गई तो मेरा बिजनेस में ये हो जाएगा, विलंब आ जाएगी जी, जिससे मेरे फिर और बाल बच्चे फिर और बेघर हो जाएंगे जी। बिल्कुल, इसलिए किराए से लेना पड़ा मकान मुझे जी, और अपना धंधा व्यवसाय करना पड़ रहा है जी। तो आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब जिला प्रशासन से यही मांग है कि हमारी कुछ सोच है कि हमारे मकान का जल्दी आ गया तो अपने घर में खुद निजी मकान में अपने उपयोग करेंगे, ये सीत वाला काम है ये नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जैसे आप मूर्तियों को प्रतिरूप दे रहे हैं? ये प्रेरणा हमारे बाबूजी बनाते थे। अच्छा, हम कोई सीखने नहीं गए, पहले से बाबूजी बनाते थे, बाबूजी ने मतलब यानी देख देख के हम लोग किसी के ड्राइंग को आकर लेके हमने भी सीखी है, कहीं नहीं गए हम सीखने वगैरह। अच्छा, नाम बताएंगे अपना? महेश कुमार जिजोते।